वीडियो एक मजाक है, इसे मजाक की तरह लेना, दिल दिमाग फेफड़े कहीं मत लेना। हाय, सो यू आर नो आई टोल्ड की वीडियो अब जल्दी आएगी, बट मैंने इस हफ्ते अपलोड नहीं करा। आई नो, बट अब वीडियो फाइनली आ गई है। सो दिस इज पायल जोन का थर्ड पार्ट। आई नो ये थर्ड पार्ट है, एंड मैंने इस थर्ड पार्ट के लिए 1.5 महीना वेट किया है, ठीक है। उस जो 2 पार्ट थे वो 1.5 महीने पहले आए थे, तो ये थर्ड पार्ट बहुत बाद में आया और उनके बीच भी गैप था। तो हम ऐसे नहीं है कि उसके पीछे पड़ गए, बट कुछ लोग तो ऑब्सेस्ड हो गए हैं, हर पे वीडियो पे वीडियो पे वीडियो उसी के ऊपर, हर टॉपिक उसी के ऊपर। बट उस बात को छोड़ो, सो यस, इन देवी जी ने बड़ा रोना धोना किया था कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से ऐसी वीडियोज नहीं बनाऊंगी, किसी को हेट नहीं फैलाऊंगी, ब्ला 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 ब्ला। 1-2-10-15 मिनट की उन्होंने वीडियो बनाई थी रोने धोने की, और सबने सोचा था कि अब नहीं करेगी, बट नहीं, ये नहीं सुधरी है, ये वापस आ गई, ये वही हरकतें करते हुए। हाँ, तो शी मेड 4 videos from 1 video। पहला बनाया रोस्ट, सेकेंड में बोला मजाक था, थर्ड में बोली कि लोग मेरे को इतना बुरा बुरा क्यों बोल रहे हैं, और चौथे में फालतू का कि मेरे को किसी ने लीगल नोटिस भेज दिया। फालतू के ड्रामे करे हैं मैडम जी ने। व्यूज छापने का तरीका देख रहे हो इनका, मैडम की क्रोनोलॉजी समझ रहे हो कैसे बनाती है वीडियोस? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इन मैडम को सिर्फ क्रिएटर्स रोस्ट नहीं करते, उनके जो फैंस होते हैं वो भी रोस्ट करते हैं। एंड इनकी लीगल नोटिस वाली वीडियो थी, मुझे नहीं पता वो ट्रू है कि नहीं है, बट इन्होंने कहीं लीगल नोटिस दिखाया नहीं था, या फिर वो मेल की गई स्क्रीनशॉट नहीं था, तो मैं तो नहीं मान सकती कि भाई सच है कि झूठ है, क्या पता, या फिर ये कोई व्यूज छापने की नई टेक्निक हो, हमें क्या पता। मजाक में कौन किसी को क्या बोलता है, अब तुमने कुछ बोला है तो डंके की चोट पे बोलो कि भाई फिर तुम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलो, है ना। ऐसे तो नहीं कुछ भी बोल दिया फिर तुम्हें कुछ आगे बोलते बोले मैं तो मजाक कर रहा था, भी मुझे थोड़ी पता है, ऐसे थोड़ी होता है। सो इन फर्स्ट वीडियो उन्होंने एक फालतू थंबनेल बना दिया, टट्टी सॉन्ग वर्स्ट सॉन्ग ऐसा कुछ लिखा था, और उस वीडियो का टाइम इन मैडम ने 10 मिनट स्ट्रेट खींच लिया, पैसा ही पैसा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में भी उन्होंने बोला कि भाई वो जो थी ना वर्स्ट इस पे लिखा था मैंने, वो तो मजाक कर रही थी मैं, भाई सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, बेस्ट सॉन्ग है, और फिर वापस 10 मिनट खींच लिए। तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है? थर्ड में इन्होंने एक थंबनेल बनाया जिसमें उन्होंने लिखा था अपने ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे, कि मेरे बारे में बकवास बोलना बंद करो, फिर वापस 10 मिनट खींच लिए इन्होंने। शर्म करो, भगवान से डरो। फिर मैंने इसकी पूरी 10 मिनट की वीडियो देखी कि भाई किसी ने इसको क्या बोल दिया जो इतने ड्रामे कर रही है ये। एंड जब लास्ट के 4 मिनट बचे थे तो बोलती है कि मैंने सबकी वीडियो चला के देखी, बट मेरे को ऋषि देव ने वैसा कुछ नहीं बोला। डूड, लाइक सीरियसली, 10 मिनट मजाक नहीं है ये, 10 मिनट वेस्ट कर दिए इसने मेरे एक दिन के। पता है 10 मिनट कितने ज्यादा होते हैं? नहीं। लास्ट टू लास्ट वीडियो में इस बंदी ने अपना पॉइंट क्लियर 7 मिनट पे कर दिया था, बट नहीं, इनको खींच के 10 मिनट ले ही जाना था, एड पे एड लगाना था, पैसा तो चाहिए ना, क्योंकि अगर 10 मिनट तक नहीं खींचेगी तो बीच में 4-5 एड कैसे लगाएगी। एंड हाँ, जो लीगल नोटिस था वो भी इसके किसी के फैन ने भेजा था। क्लिक बेट ना इन मैडम से अच्छा कोई नहीं कर सकता, इनको क्लिक बेट क्वीन का ही दे दो प्लीज, बहुत ज्यादा क्लिक बेट करती है ये। एक बार बता दी, इनकी फैन से इतनी फट रही है, अगर गलती से भी उनके तरफ से तेरे को लीगल नोटिस आ गया फिर तो तुम देख ही सकते हो कि क्या हो सकता है। नाइस। शी वाज लाइक, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते मैं तो वीडियो हटा देती, 1 सेकंड लगता मुझे, तुमने मैसेज नहीं करा, सीधा ईमेल कर दी, ईमेल इतनी प्रोफेशनल तरीके से करी ना, पर फिर बाद में मुझे पता चला कि ये तो इनकी फैन की तरफ से था। सीरियसली डूड, ये इंस्टाग्राम की जरूरत थी यहाँ पे बताने की कि मेरे को ऐसे बता देते, ये कर देते, वो कर देते, सीरियसली। सो मेरे इतने पॉइंट्स है, तो मैं इसकी लेटेस्ट 4 वीडियो को पता चल गया होगा, बट अगर स्टिल तुम्हें और जानना है तो एक एडवाइस है, 1.5x पे करके इन वीडियोस देखना, तब समझ आ जाएगा कि अपना क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे बोलती है और बहुत घुमाती है बातों को। That's weird. और वीडियो को तुम लास्ट 2 मिनट पहले ही चलाना, पहले समझ चलाना, पहले तो बकवास चलती है। Okay. इतना स्ट्रेच करती है ना ये वीडियोस को, 2 मिनट का टॉपिक भी नहीं था वो, कि भाई लीगल नोटिस आया, फैंस ने भेजा, बता के खत्म करती, खेचे ही जा रही है बात को, गाइस 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 करके 2 मिनट के टॉपिक को 10 मिनट का बना दी, जो मेल लीगल नहीं था, फैंस से था। एक पता चल जाता है ना कि कौन सा मेल कैसे था, दिखता नहीं है क्या अच्छे से, मेल किधर से आया है, सब समझ आ जाता है, ठीक है। ओके फाइन, हमने भी एक बार किया है, बट हमने 2 मिनट के टॉपिक को 10 मिनट नहीं खींचा, सिर्फ 5-6 मिनट ही खींचा है, और एक बार ही खींचा है, ठीक है, इनकी तरह नहीं है।
बट हर बार रिपीटेटिव ये बंदी करे जा रही है। और इसने पता है पिछली बार क्या बोला था कि अगर मैंने वापस पिछली बार की तरह किसी को हेट दिया तो फिर आपको जो मुझे पनिशमेंट या फिर जो भी कह सकते हैं पनिशेबल ऑफेंस हो वो आप मुझे दे सकते हो। तो अब बोलिए मैडम जी आप वही कर रही हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। हम भी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं और बहुत लोग बनाते हैं, रोस्टिंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से गलत चीज को कोई रोस्ट नहीं करता। और इन मैडम को उसके बाद एक दूसरी वीडियो बनानी पड़ती है अपनी गलती क्लैरिफाई करने के लिए और सॉरी बोलने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आता कि इंसान है या थ्योरम है, इतना एक्सप्लेन क्यों करती है चीजों को। नाइस जोक। एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए 7 मिनट की वीडियो खींच दी स्ट्रेट, वो अनंत्या वाली जो वीडियो थी। हद है भाई। और इसका रिएक्शन देखो, बोलते कि भाई मुझे इन सब का ये चीज अच्छा लगी इस म्यूजिक वीडियो में, लेकिन सब सेम स्टेप्स कर रहे हैं, उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं और वो डांस में करनी पड़ती है, नहीं तो डांस अच्छा नहीं होता है। ओके ये क्या रिएक्शन हुआ? मासूम लड़की है, ऐसी मासूम लड़की जो दूसरों पे अनरिलायबल कमेंट्स पास करती है कि अपना चैनल बंद कर दो, आरोप लगाती है तू क्या है XYZ चैनल फ्रॉड है, कि XYZ चैनल ने मुझे धमकी दे दी, ऐसी मासूम। That's weird. और फिर अगर गलती से इनको सेम चीज कह दो तो बोलती है मैं क्यों करूं, मैंने तुमसे पूछ के चालू किया था क्या? सीरियसली आप बोल रही हैं ये? मतलब ये बंदी यूट्यूब बनाती क्या? कैरी नाटी रोस्ट, टिकट इंसान रोस्ट, आशीष अंसानी रोस्ट, टेक्नो गेमर्स, टेक्निकल गुरुजी, मिस आनंद, फ्लाइंग बीस्ट, समरी नली, संभावना सेठ, प्रगति वर्मा, बिंदास काव्या, ध्रुव राठी, कोई और बच्चा है क्या तुम्हारे पास जिसको तुमने नहीं बनाया अभी तक? प्लीज बता दो प्लीज। तुम्हें शर्म है कुछ? किसी को भी किसी क्रिएटर कुछ नहीं छोड़ा और फिर बोलते कि तुम्हारे चैनल मेरी वजह से चलते हैं, तुम्हें मैं व्यूज दे रही हूँ, तुम्हें मैं भीख दे रही हूँ व्यूज में, ये शब्द तो होते हैं आपके देवी जी। कुछ भी भाई, ये बंदी जिंदा खासे आदमी को नो मोर घोषित कर देती है। शर्म करो, भगवान से डरो। मैं सोच रही थी कि मैं इसका थंबनेल ऐसा बनाऊं नो मोर, बट नहीं, हम ऐसे नहीं है, हम नहीं ऐसे हरकतें करेंगे, हम अच्छा खासा थंबनेल बनाएंगे जिनमें ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा फालतू सा, जो रियलिस्टिक बातें होंगी, ठीक है? सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। ये वीडियो थी, आई डोंट नो कितनी लंबी है, मुझे नहीं पता, थोड़ी आई थिंक शायद लंबी बनी वीडियो बनी है, बट अच्छी बात है। सो ये बंदी ने कहा था कि मैं हरकतें नहीं करूँगी, कॉन्टेंट चेंज करूँगी, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा, कॉन्टेंट चेंज नहीं करा, वही हरकतें वापस करी, 1 महीने बाद आके वही हेट वापस लाए उन्होंने। तो आई थॉट व्हाई नॉट एक और बार इस पर वीडियो बना दें, बट इसके बाद इस पर वीडियो नहीं आएगी, इसके बाद शायद शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स में वीडियो आने वाली थी, बट आई ड्रॉप दैट आइडिया, बस हो गया वो आइडिया ड्रॉप, बट शॉर्ट्स पे आने वाली है अगर नेक्स्ट वाली बन गई तो शॉर्ट्स पे। एंड अगर तुम्हारे पास कोई अच्छे यूट्यूब शॉर्ट्स हो तो तुम बता सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में उनका लिंक डाल सकते हो, ठीक है? सो आई होप मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 500 प्लीज़ फाइनली कर दो अब तो। सो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।